अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू अमल ईमान में बरकत अता फरमाए। दोस्तों, शिकार शुरू है। छोटी सी बात, चार प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। चराई पाउडर खल बाखड़ा है, चराई पाउडर है और लाग है जनाब, ये आपके सामने कक्को है, खल अकर करा है, ये चीज़ें सेल कर रहे हैं। राइस पॉलिश है तो, और इसके अलावा खले भी हैं। खले फ़िलहाल नहीं मिलेंगी, ख़त्म हो गई, इतना टाइम नहीं है भाई अभी निकल रहा, तो खल एंड कर दी, ठीक हो गया। तो दोस्तों अब चीज़ सुन ले, अब जो सीज़न शुरू हो गया भाई, अब जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी तो काट शुरू हो जानी, कुतरन शुरू हो जानी, काट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसकी वजह से कुंडी के ऊपर चारा नहीं रहता, तो उस वक्त बहुत परेशानी होती है। इस शिद्दत से काट शुरू हो जाती है कि डोर डालो, और अभी आप डोर को अपना सेट कर रहे होते हैं स्टैंड के ऊपर भी, तो आपको पता लगता है किसी ऐसे चाल शुरू हो जाती है, उसके बाद निकालो ख़त्म। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें शिकारी को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, या तो वो फिर बेचारा, अब उन दिनों में शिकार भी है और खजालत भी है। शिकार तो इस कदर इस नौइयत का शिकार होता है कि बहुत अच्छा शिकार होता है, बड़े साइज लगते क्वांटिटी, लेकिन पूरा पूरा दिन बैठे रहते, लोगों की कमर दुख जाती, उठते हैं घर चले जाते, चारे ख़त्म हो जाते हैं, केचवे ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कितना मारेंगे, यूँ मारेंगे, डोर डालो और सात आली निकाल लो, सात आली निकाल लो, पहली फेंक दो, पहली फेंक दो, ये सिस्टम चलता रहता है। अब कंडीशन ये है, या तो बंदे में इतनी हिम्मत हो कि बंदा, और इतनी क्वांटिटी में उसको चारा हो कि वो डालता रहा, निकालता रहा, डालता रहेगा, बंदा थक जाता है। अब ऐसी कंडीशन से अंदर जब आपने शिकार खेलना है तो करना क्या है कि ताकि चार पाँच मिनट तक आप डोर को पानी में पड़े रहने दें और उसके बाद आप निकालें 10-15-20 मिनट के बाद। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें आप कर लें। एक चल रही है मटर, मटर आम जो खाने वाली सब्जी वाली दुकानों से मटर मिल जाती है वो, या दूसरी चीज़ लेनी है आपने मकाई, मकाई आपने ले लेनी है, मकाई आपने लेनी है कच्ची मकाई, जो दूधी हो सख्त ना हो, वो साबुत ले लें कच्ची, उसको कुछ उबालने की दोनों को ज़रूरत नहीं है। अगर आप मटर लें या आप मकाई लें, आपने करना क्या है, इसको लें किसी बर्तन के अंदर, इसको थोड़ा सा अपना ले लें, जितना आपने शिकार पे लेके जाना है उसके ऊपर जो है इसको ऐसे ऐसे जो स्पून होता है कांटा जिसे बोलते हैं, वो उसके ऊपर मार के सुराख हल्का हल्का कर लें, ठीक हो गया। दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ले लें, दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको ईजिली मिल जाए वो लें, उसके अंदर हल्का हल्का सा आपका वो मार दें कांटा अपना, और उसके बाद उसके अंदर अपनी लाग लाग डाल दें और उसको उसके अंदर भीग छोड़ के और अपने शिकार पे उसको अपने साथ ले जाए। अब जब आप पॉइंट पे जाएंगे तो आपने करना क्या, आपने अपनी जो वो एक दाना लेना या दो दाने लेने हैं मकई के या मटर के, उसको आपने अपनी कुंडी पे चढ़ा कर बिल्कुल नक्के के पास छोड़ देना, बिल्कुल नक्के के पास छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आपने अपना चारा कुंडी के ऊपर लगाना है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप जैसे ही रॉड या डोर या लम डोर जैसे भी आप फेंकते हैं, छोटी मछली आपके चारे को कट करती है, बड़ी मछली भी होती है, लेकिन रोला ये मचा हुआ होता है कि छोटी मछली मौका ही नहीं आने देती कुंडी पे कुछ बचा हुआ हो कि वो कोई बड़ी मछली उसको उठाए, तो बड़ी मछली हुक नहीं होती, बेचारी वहीं फिर रही होती, खाने को कुछ नहीं मिलता। अब जब छोटी मछली इसको खा लेगी, लेकिन वो जो आपने मकाई का दाना या मटर का दाना, ये दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आपने डोर के ऊपर कुंडी के ऊपर लगाया हुआ होगा, तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि चारा ख़त्म होने के बाद भी मछली इसके ऊपर हुक हो जाती है, ये ख़त्म नहीं होता, ये बड़ी मुश्किल से ज़रा थोड़ा सा सख्त फॉर्म में होता है। तो ये अपना काम इस तरह दिखाएगा, एक तो वो मकाई होगी और दूसरी जो आपने इसके ऊपर लाग लगाई हुई होगी ना, वो लाग की वजह से ये आपका, चाहे मटर का दाना हो चाहे आपका मकाई का दाना हो, ये आपका बड़ा बेहतरीन काम करेगा। ये ऐसी चीज़ है, ये रिज़ल्ट दे जाती है, इस पर मछली लग जाती है। और ख़ास तौर पर मैं वक्त बता रहा हूँ, अब जो आने वाला वक्त है शुरू हो रहा है, अब काट कुतरन जिसे कुतरन बोलते हैं, काट बोलते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी, तो मछली को खाने के लिए पानी में फिर कुछ नहीं मिलता। इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा खाली आते हैं या चारे की वजह से परेशान हो जाते हैं, तो जाहिर बात है इतना चारा कौन तब्दील करता है बार 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 बार, एक घंटे में 20 दफ़ा डोरे कौन मारेगा, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वाकई काट इतनी शदीद हो जाती है कि डोर अभी स्टैंड में लगाओ या रॉड में सेट करो, पीछे पता लगता है जी चारा आपका गायब हो गया। तो कुछ ना होने से जो होता है कुछ होना बेहतर होता है, इस मामूली मामूली चीज़ों से अगर आप इनके ऊपर ध्यान देंगे तो इसके ऊपर आपको इंशाल्लाह भरपूर रिज़ल्ट मिलेगा और बेहतरीन फ़ायदा होगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश यह है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि यार प्रीवियस वीडियोज़ आपको आसानी से खुद मिल जाएंगी,
तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।